नमस्कार, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। बीती रात नैनीताल जिले में जो भीषण आंधी तूफान आया, उसने जहां पूरे नैनीताल जिले में भारी नुकसान पहुंचाया, वहीं लोगों के सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर दी। इस भीषण आंधी तूफान में सैकड़ों यात्री रास्तों पर फंसे हुए हैं, क्योंकि हल्द्वानी, देहरादून और हरिद्वार हाईवे पर सैकड़ों पेड़ गिरे हुए हैं, जिसे प्रशासन हटाने में जुटा हुआ है। लेकिन कल रात से ही इस रास्ते पर सैकड़ों वाहनों के और यात्रियों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है, और फंसने की वजह से इन वाहनों में मौजूद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ गिरने के कारण रास्तों में फंसे कुछ लोग तो पैदल ही अपने गंतव्य की ओर निकल गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी रास्तों पर फंसे हुए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। इस भीषण गर्मी में वाहनों के रास्तों में फंसे होने के कारण लोगों को अनेक परेशानियों उठानी पड़ रही हैं। लेकिन कालाडूंगी के पास हल्द्वानी रामनगर हाईवे पर भारी मात्रा में पेड़ गिरे हुए हैं, जिससे रास्ता खुलने में अभी काफ़ी समय लगने वाला है, और पेड़ गिरने की वजह से कालाडूंगी और हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित हो गई है। लोग इस भीषण गर्मी में बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।